नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। आपका स्वागत है आज की बात में। तो आइए जानते हैं झारखंड व देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के मंझारी में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतना गरीबी हमारे राज्य में है कि सोचकर दिल घबराता है। इतना गरीब कि लोग अपना पेट नहीं पाल सकता तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। लेकिन अब बच्चियां माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी, हम उनको जिम्मा उठाएंगे। हम सावित्री बाई फूले योजना देते थे, घर में जितनी बेटी होगी सभी को इस योजना का लाभ देंगे। हमने कैबिनेट में मुहर भी लगा दी है, बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार बनेगी। आइए अब रुख करते हैं अगले अपडेट की तरफ। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद धीरज साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार लगभग 100 सालों से शराब के व्यापार से जुड़ा है। शराब का कारोबार कैश का कारोबार है, यह सारा पैसा शराब की बिक्री से हासिल हुआ पैसा है। हमारा कारोबार पारदर्शी है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो छापे में बरामद हुए हैं पैसे, उसका मैं पूरा हिसाब दूंगा। अगला अपडेट झारखंड के गिरिडीह जिला से है। गिरिडीह पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 28 मोबाइल फ़ोन, 43 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1,35,000 नगद समेत 1 ब्रिजा कार और 2 बाइक बरामद किया है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगले अपडेट की तरफ। झारखंड बोर्ड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पैटर्न में एक बदलाव किया गया है। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ओएमआर शीट में नहीं बल्कि पहले की तरह उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट में ली जाएगी। अगला अपडेट बोकारो से है। झारखंड के बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए कैबिनेट ने 688,49,42,200 रुपये मंजूर किए हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगले अपडेट की तरफ। झारखंड शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दाखिल कर दी है। शनिवार को रांची ईडी की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में कंप्लेन दाखिल की। प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में योगेंद्र तिवारी के अलावा शराब का टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने वाले लोगों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही किस किस को कितना हिस्सा मिलता था और किसकी क्या भूमिका थी, यह भी जानकारी कंप्लेन में दी गई है। अगला अपडेट है देश के संसद से जुड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर सभी सांसदों को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि घटना की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। मैंने एक उच्च शक्ति वाली समिति का गठन भी किया है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी कि इस तरह घटनाएँ दोबारा नहीं हों। हमारा अगला अपडेट है खेल से जुड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 347 रन से हरा दिया है। इस रन के हिसाब से महिला टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1998 में इंग्लैंड ने ही पाकिस्तान को 309 रन से हराया था। किन्हीं और टीमों ने इसके बाद कभी भी 200 से अधिक रन से भी किसी को नहीं हराया है। चलिए रुख करते हैं अगले अपडेट की तरफ। CID फेम वैष्णवी धनराज ने अपनी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मेरी फैमिली ने मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की है, मुझे बुरी तरह से पीटा गया है, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मदद करें, न्यूज़ चैनल और इंडस्ट्री के लोग मुझे मुश्किल से बाहर निकालें। अगला और आखिरी अपडेट है कुवैत से। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का शनिवार को 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद निधन हो गया। निधन के वक्त उनकी उम्र 86 साल थी। आज के इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।